तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने प्लेयर की मूवमेंट कैसे मॉन्स्टर मूवमेंट में कन्वर्ट कर सके हैं, और जिससे आपको कोई भी प्लेयर मतलब अपोनेंट आपको मार ना पाए आसानी से। क्योंकि भाई, अगर आप मॉन्स्टर मूवमेंट हो गए ना, जब आपने अभी पीछे जोनाथन को देखा था, जोनाथन ने जो वो निकाला था, दे जिगल, वो वाली डायलॉग, जिससे काफ़ी लोगों की मूवमेंट इतनी फास्ट हो गई थी कि एनिमी आपको मतलब उस बंदे को किल भी नहीं कर सकता था। अब वो नॉर्मल मूवमेंट थी, यहाँ मैं बताऊँगा आपको मॉन्स्टर मूवमेंट, जिससे एनिमी आपको किल ही नहीं कर पाएगा भाई, मतलब आपका आप पे एम ही नहीं कर पानेगा। तो यहाँ मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से दिखाऊँगा। पहला पर्सपेक्टिव होगा मेरा, जो मैं खेल के दिखाऊँगा, और उसमें हैंड कैम भी होगा, और दूसरा पर्सपेक्टिव होगा एनिमी पर्सपेक्टिव। तो अब दोनों पर्सपेक्टिव आप ध्यान से देखना, और दोनों प्रोस्पेक्टिव में आप देखना कि मैं कर क्या रहा हूँ। सबसे पहले मेरा हैंड कैम देखना कि हैंड कैम में मैंने क्या क्या किया, मतलब कैसे कैसे मैंने अपने फिंगर्स को मूव किया, और कैसे कैसे प्लेयर मूव हुआ, और उसके बाद दिखाया जाएगा एनिमी प्रोस्पेक्टिव। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना यार। तो चलते हैं यार फटाफट वीडियो की तरफ, लेट्स गो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर्स कैसे मूवमेंट कर रही हैं, एक साथ दोनों पहले लेफ्ट में जा रही थी, फिर राइट में जा रही थी, फिर लेफ्ट में जा रही थी, अब दोनों अपोजिट कर रही हैं, दोनों के दोनों बाहर से अंदर आ रही हैं फिंगर्स। तो ये ऐसी कुछ मूवमेंट आप कर सकते हैं, और अब देखना गाइस एनिमीज पर्सपेक्टिव से कि ये मूवमेंट कैसी लगेगी। ये देखो भाई, ये देखो, कौन बंदा ऐसा होगा कि जो इस मूवमेंट को आसानी से किल कर पाएगा। गाइस, शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगेगी, कि आप समझ नहीं पाओगे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब कहाँ जा रहा है ये प्लेयर, कहाँ नहीं। थोड़ा ट्राई करोगे भाई, ज़रूर होगी, वर्क करेगी ट्रिक, ना वर्क करे तो भाई बात रही। तो अब दूसरी अभियान या दूसरी मूवमेंट, और दूसरी मूवमेंट यहाँ मैं, जब आप M24 चला रहे हो ये मूवमेंट, तब वर्क करेगी। तो अब यहाँ देखो, ये देखो ये मैंने पूरा गोल गोल करा है पूरा। जब आप बंदा आपके क्लोज रेंज में हो, जब एनिमी आपके क्लोज रेंज में हो, तब अपने प्लेयर्स की मूवमेंट मतलब एनालॉग और जो स्क्रीन होती है उसको गोल 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 घुमाते रहो। उससे क्या होगा कि आप मतलब अगर आप उसको एनालॉग को उस पर घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो अपनी स्क्रीन को क्लॉकवाइज घुमाओ, और अगर एनालॉग को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो स्क्रीन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो ये कुछ प्रोसेस है M24 चलाते वक्त, जब आपका एनिमीज आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। जैसे आपने इस सिचुएशन में देखा कि मेरा एनिमीज काफ़ी एनिमी मेरे काफ़ी क्लोज था, तो ये ट्रिक आप वर्क करवा सकते हो अपने द्वारा। तो ये ट्रिक आप कर सकते हो, और भाई बताओ कि कमेंट में ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और अब आपको मैं दिखाऊंगा एनिमी प्रोस्पेक्टिव से यही सीन। ये देखो, यहाँ आपने देखा कि कहाँ मैं एकदम मूवमेंट कर रहा था, और कहाँ मैंने शॉट मार दिया उस बंदे को, एनिमी को पता चला नहीं, वो बंदा मतलब ये उसको देख ही रहा था, और भाई पता भी नहीं चला कि शॉट कब मेरे को मार दिया। तो ये ऐसी कुछ मूवमेंट करोगे तो भाई बंदा पता नहीं चला। अब यहाँ इस मूवमेंट को देख सकते हो कि मैं अब भी दोबारा, अब उसमें सबसे मैंने पहले वाले में क्या करा था कि पहले अगर पहले राइट में जा रहे हो दोनों फिंगर्स, तो दोनों राइट में जा, फिर लेफ्ट में, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब लेफ्ट राइट ले रहा था दोनों फिंगर्स को एक साथ, और फिर मैं उसको बात कर रहा था कि दोनों फिंगर्स को अंदर ला रहा था। तो पहले में हो गया मिक्सचर, फिर दूसरी में थी हमारे रोटेशंस मतलब जोन रोटेशन नहीं भाई, आई जे लिंग मत सुनो यहाँ पर। दूसरे में थी रोटेशन, मतलब जब एनिमी आपके काफ़ी क्लोज हो तो आप उसके रोटेट करते रहो उसके सामने, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि एनालॉग को क्लॉकवाइज और स्क्रीन को एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे प्रोसेस करो। और इस वाले में मतलब जो आपने पहले वाले में प्रोसेस करा उसका उल्टा करना है। इसमें पहले दोनों फिंगर्स को अंदर लाना है, फिर दोनों फिंगर को सेम में वर्क करना है, तो मतलब उल्टा करना है इस वाले उसमें प्रोसेस को। और ये भी आप M24 या कोई और सी गन भी चलाते वक्त कर सकते हैं। बताओ क्या भाई मूवमेंट लगी, क्या खतरनाक मूवमेंट कर रहा है प्लेयर। अगर जैसे बंदा सामने से ऊपर से चल गया रहा है, अब देखो शॉट, अब एनिमी प्रोस्पेक्टिव के दूर उससे देखना कि आपको भाई एनिमी प्रोस्पेक्टिव के व्यू से देखना कि भाई आपको मतलब। और ये है आज की लास्ट ट्रिक मॉन्स्टर मूवमेंट की, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं दोनों के दोनों को साथ ही वर्क कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ दोनों को आपको साथ वर्क करना है, मतलब पहले एनिमी के व्यू से देख लो, फिर उसके बाद बताता हूँ। जब एनालॉग को मैंने लेफ्ट एनालॉग को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिया, तो मैंने स्क्रीन को भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड लिया, मतलब जैसे किसी चीज़ को पिंच करते हैं ना,
वैसा मूवमेंट कुछ वैसी चीज़ करी मैंने, जैसे किसी को पिंच करते हैं, दोनों फिंगर एक साथ लाया, दोनों फिंगर को टच करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद दोनों फिंगर को एक दूसरे से दूर किया। तो पहले में ये मूवमेंट थी, और दूसरे में M24 चला रहे हो अगर आप, और आपके काफ़ी क्लोज बंदा है तो आपको रोटेशंस करनी है, मतलब एनालॉग को भी रोटेट करना है क्लॉकवाइज और स्क्रीन को भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और तीसरी चीज़ आती है आपकी फर्स्ट वाले उसका मिक्सचर, मतलब मिक्सचर तो दोनों में है, मतलब उल्टा कर दो उसको। तो गाइज आपने इस वीडियो में देखा कि अभी मैंने आपको कितनी सही सही टिप्स बताई हैं जिससे आप अपनी मॉन्स्टर मूवमेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप ऐसी मूवमेंट करोगे ना, तो भाई हैकर तो हैकर आपको नॉर्मल प्लेयर या प्रो प्लेयर भी नहीं मार पाएगा भाई। आप खुद बताओ, अगर आप एनिमी के अपने एनिमी के व्यू देखे, और भाई आप बताओ यार, अगर आप आपके सामने अगर ऐसा बंदा मूव करेगा तो आप उस पर कहाँ से एम कर पाओगे? कोई भाई एक बार मेरे को कमेंट में एक बार बताओ कि अगर सामने वाला बंदा ऐसे मूव करेगा तो आप उस पर कहाँ से एम कर पाओगे? भाई घंटा एम नहीं होने का, मान ही नहीं सकता। अगर आप तुम AR चला रहे हो ना, तो मैं एक बार को मान सकता हूँ कि AR की कुछ गोलियाँ उसको छू गई, और एक मतलब एम करते वक्त थोड़ी बहुत गोली फ्री फायर दे दो तो उसको गोली लग गई लग गई। वरना अगर M24 चला रहे हो ना, बात रही कि भाई तुम्हारे हिट दे दोगे उसको भाई, क्योंकि मूवमेंट ही ऐसी होगी भाई। आपने व्यू देखा, एनिमीज का व्यू देखा है कि भाई मूवमेंट इतनी खतरनाक हो रही है। तो गाइस आप भी ऐसी मूवमेंट खड़ करके मॉन्स्टर मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को, जिससे आपको TDM में शायद ही कोई प्लेयर हरा सकेगा फिर, क्योंकि जब आप कितनी खतरनाक मूवमेंट होगी तो भाई आपको कोई क्या ही हरा सकेगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक करो वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।